हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है डिवाइन की तरफ से आपको क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपको क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पे साइन बता दूँ मैं आपको, पहले कार्ड्स अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो डिवाइन की तरफ से आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि आप किसी तरीके की परेशानी में हो, स्टक हो अभी, किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा आपने देखा है इस दौरान, इन दिनों में आपने, हो सकता है कि किसी तरीके की कोई परेशानी झेली है, किसी तरीके के कोई झगड़े से आप ना बहुत परेशान हो गए हो, और उस झगड़े की वजह से आपको आर्थिक लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो गए। आपका कहते हैं ना कि हो सकता है कि किसी ने आपको, आप पैसों को लेकर आपको चीट किया है, चीट किया है आपको पैसों को लेकर, जिसकी मतलब आपको विश्वास नहीं था कि ये इंसान आपकी लाइफ में आपके साथ कुछ ऐसा कर सकता है, पर किसी ने आपके साथ ऐसा किया है। स्पेशली यहाँ पैसों का मैटर बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, और उसका इफ़ेक्ट मैं कहूँ ना तो आपकी रिलेशनशिप पर भी पड़ा है। और अभी आपकी हालात क्या है कि आपका दिल और दिमाग दोनों बैलेंस में नहीं है, दोनों बैलेंस में नहीं है। आपको इस परिस्थिति में आगे क्या करना है वो आपकी समझ से परे है, समझ में नहीं आ रहा है। आपने सब कुछ अभी राइट नाउ मैं ये बताऊंगी कि आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी बात या कोई भी परिस्थिति आपके कंट्रोल में है। आपको ऐसा लग रहा है कि एक एक करके चीज़ें आपसे, आपके हाथ से निकल रही है, चाहे वो पैसा हो, चाहे रिलेशनशिप का हो, या कुछ भी चीज़ें एक एक करके आपकी लाइफ से निकल रही है, या उनमें परेशानियाँ क्रिएट हो रही है। जैसा पहला अच्छा माहौल था, सब चीज़ें अच्छी सुधरी हुई थी, सब बैलेंस में था ना, वो बैलेंस नहीं है अभी आपकी लाइफ में कहीं पर भी। तो आपको एक डर बैठ रहा है कि अब क्या क्या चीज़ें आप खोओगे। तो शायद सपने में भी आपको बुरे, कहते हैं ना बुरे सपने आना, तो वो सपने भी आपको बुरे आ रहे हैं। अगर कोई आपसे, अभी क्या हालात है आपके पता है कि अगर कोई आपसे लड़ाई करने की कोशिश करता तो कहीं ना कहीं मतलब आप एक बार उठ खड़े होते हो, लेकिन अंदर से वो हिम्मत भी नहीं रही आपकी कि आप उनसे झगड़ा कर पाओ। कहीं ना कहीं आपके हाथ पैर जो होते हैं ना वो हल्के हल्के, कहते हैं ना, थर थराने लगते हैं। मेरा कहने का मीन्स ये है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट टूटना, या अब उतनी साहस भी नहीं रह पा रही है कि आप उनसे वापस डील कर पाओ ऐसे लोगों से, क्योंकि आपका दिल बहुत दुखा है इस चीज़ से जो भी है ना। क्योंकि इस चीज़ ने क्या करा, आपकी लाइफ के दूसरे जो भी मैटर है ना उन सब पर जो है असर डाला है, और ये चीज़ आपको तकलीफ दे रही है। समझ कुछ नहीं आ रहा है कि क्या डिसीजन लिया जाए। देखते हैं आगे कार्ड्स क्या बताते हैं, क्योंकि परेशानी तो आपकी बताई गई है जी। यहाँ पे कोई संपत्ति को लेकर वाद विवाद हुआ है, कुछ ना कुछ तो पैसों को लेकर मैटर बना है जिसका इफेक्ट आपकी लाइफ पर पड़ा पूरी तरीके से। साइलेंस, स्टक हो अभी, साइलेंस मतलब एकदम चुप्पी साध ली है आपने, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता आपको क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। आगे दिल दिमाग एक बैलेंस में है ही नहीं, सरेंडर कर रखा आपने। आप ये चाहते हो कि जैसे तैसे करके ये परिस्थिति निकले आपकी लाइफ से,
पहले जो आपकी लाइफ बैलेंस थी ना, वैसे बैलेंस में आ जाए। आप तो ये भूलने की भी कोशिश कर रहे हो और ये भी कोशिश कर रहे हो कि मतलब अभी तक आपने इस परिस्थिति से जो भी डील की है ना, वो काबिले तारीफ है, बिल्कुल काबिले तारीफ है। वो डटे रहे हो ना, दुखी बहुत हो। द सोर्स, देखो यहाँ पर ये लास्ट का ये कार्ड आना बहुत बड़ी बातें बता रहा है। ब्रेक थ्रू का कार्ड भी आ गया, ठीक है। मीन्स अभी तक की ये, यहाँ तक की जो रीडिंग आई है ना, ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ये अभी तक की पास्ट का और प्रेजेंट का जो है ये बताइए, ठीक है। आगे का, फ्यूचर का, सिर्फ ये दो कार्ड जो है ना बहुत कुछ बता रहे हैं। ये दो कार्ड जो है ना, ये खूब बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, ठीक है, जो ये इन सब पर जो है भारी पड़ने वाली है। कैसे? कि कोई ना कोई सोर्स आपकी लाइफ में यूनिवर्स की तरफ से, ये देखो, भेजा जाएगा, भेजा जाएगा, ठीक है। वो किसी की, कोई इंसान के रूप में हो सकता है। ये देखो जस्टिस का भी कार्ड आना, वाह, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आना, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आना। मैं ये लेना चाहूँगी जी, क्योंकि मुझे ये आपको बताना पड़ेगा कि ये मैं बात क्यों बता रही हूँ। सोर्स जो है आपकी लाइफ में, आपकी ये जो भी परिस्थिति किसी भी इंसान की वजह से बनी है, किसी ने छल किया है, धोखा किया, या कुछ भी संपत्ति को लेकर, पैसों को लेकर ये परिस्थिति बनी है, या आपके रिलेशनशिप में भी बनी है ना, तो उसके लिए आपको यही कहा जा रहा है कि इस मैटर को आपकी लाइफ में, जो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सुलझेगा कैसे, ठीक है, या आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। वापस अपनी पावर में आने वालों, किसी तरीके की नेगेटिविटी को मत रखो, ठीक है। ये एक तरीके का, ये समझ लो ये टॉवर मोमेंट से कम नहीं था आपकी लाइफ में, जो ये निकल गया है, ठीक है, ये निकल चुका है। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जजमेंट का कार्ड आना, साथ में जस्टिस का कार्ड आना, कि आपके साथ जस्टिस होगा, आप जो डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा, जो आपने खोया उससे बेहतर आपको मिल जाएगा। तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो, आपको अभी किसी के हेल्प की उम्मीद नहीं है ना, अचानक से आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सोर्स ऐसा मिलेगा कि इस सब परिस्थिति को बदल के रख देगा। बिल्कुल, कहते हैं ना, अंधेरे से बिल्कुल रोशनी कर देना, तो वो वाली चीज़ होगी आपकी लाइफ में। ये कार्ड में इस वजह से ये वो लेकर आपको बताती हूँ ताकि आपको भी एकदम क्लियर समझ में आए कि आपकी लाइफ की जो भी पहेलियाँ हैं ना, ये जैसे पहेली की तरह रहस्यमय तरीके से ये बना था ना, वैसे ये अचानक से सॉल्व हो जाएगा, देखना। और आप एकदम खुश हो जाओगे कि हे भगवान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ मेरी लाइफ में अच्छा दोबारा होगा। जी डेफिनेटली होगा, डिजर्व करते हो आप, ठीक है ना, क्योंकि ये परिस्थिति आपकी वजह से नहीं बनी है, ये आपने नहीं बनाई है, ठीक है। और आपने बनते कोशिश अपनी यही की है कि चीज़ें सुलझ जाएं, जो भी कहता है ना डैमेज, वो कम से कम हो, लेकिन फिर भी बिगड़ी है। जो भी हेल्प चाहिए या जिस तरीके से भी ये परिस्थिति सुलझनी है ना, उसका सोर्स खुद ब खुद आपकी लाइफ में खुद चलकर आएगा, ठीक है, खुद चलकर आएगा। आपको अब कहता है ना, ज़्यादा मेहनत करने वाली बात इस मैटर को सुलझाने के लिए वो नहीं करनी है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ज़्यादा क्या, थोड़ा भी नहीं होना है, मैं ये कहूँगी। हर तरीके की नेगेटिविटी को निकालो अपने से बाहर, ये मैटर को सुलझाना अब आपका काम नहीं रहा। क्योंकि यहाँ जो फाइट वाला जो ये आया ना, फाइटिंग, ये वाला कार्ड, तो ये यही बताता है कि अभी तक आपने जो भी प्रयास करने थे इसको सुलझाने के लिए, वो आपने कर लिए, अपने दम पर सारे प्रयास कर लिए, अब यूनिवर्स पर छोड़ दिया ना, तो बस अब उन पर रहने दो। अब आपको इसमें कहता है ना हस्तक्षेप नहीं करना है, अब वो अपने तरीके से इस मैटर को सुलझाएंगे, किसी न किसी सोर्स को आप आपकी लाइफ में भेज कर, चाहे कोई इंसान के रूप में हो या कैसे भी, ठीक है। तो ये यूनिवर्स ही आपकी हेल्प करेंगे। अब आपको इसमें अब कुछ नहीं करना है, आपको बस प्रतीक्षा करनी है, कहते हैं ना वेट करना है, कि आपकी लाइफ में सब अच्छा हो जाए, क्योंकि ब्रेक थ्रू आने वाला है। तो बस ये समझ लो कि आपकी लाइफ जंप ही करेगी, खुशियाँ आएगी आपकी लाइफ में दोबारा, पहले से बेहतर आएगी, ठीक है।
तो डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि बिल्कुल परेशान मत होना, दुखी मत होना, जस्टिस आपके साथ होने वाला है, वो होके रहेगा। ठीक है जी। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।